तो चोर नाग यानी उन चार खूबसूरत झीलों का प्रॉपर नज़ारा करके हम वापस ट्रैक होते हैं मर्गन टॉप की ओर, जिसमें हमें आधे से पौना घंटा लगता है। कम टाइम इसलिए क्योंकि उतराई ज़्यादा थी और उतरते ही भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो चाय और मैगी का लंच करके हम फौरन निकल पड़ते हैं वाड़वन की ओर। वो कहते हैं ना कि मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है, तो उसी सफ़र के दरमियान आती हुई खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत स्ट्रीम्स और ख़ूबसूरत वेजिटेशन को एंजॉय करते करते हम पहुँच जाते हैं टोल नाके पर, जो कि वाड़वन का एंट्रेंस पॉइंट है और ये टोल नाका फॉरेस्ट डिवीज़न मड़वा ने लगवाया हुआ। तो एंटर होते ही वाड़वन का पहला विलेज जो है वो इंशन है। तो आदिल नबी लोन साहब की ख्वाहिश पर हम चल पड़ते हैं वहाँ के इकलौते होटल की तरफ, जो कि वाड़वन रिजॉर्ट कहलाता है। वहाँ पर उनके कोई मुनीब नामक दोस्त हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात करनी थी। और ये हम इंशन में पहुंच चुके हैं। तो क्या क्या डिसाइड, कौन सी जगह हम जाएंगे आज? कावयार्ड। कावयार्ड? हाँ। क्या को कावयार्ड? कावयार्ड, कावयार्ड गौशाला। इनके दोस्त मुनीब भाई ने, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान है, काफी ज्यादा इसरार किया कि हम इनके होटल में रुक जाएं। लेकिन होटल में किसे रुकना था, हमें तो कैंपिंग के मजे लूटने थे। और वही नाइट कैंपिंग का इरादा लेकर हम चल पड़ते हैं वाड़वन दर्शन के लिए, ताकि हम वाड़वन के मैक्सिमम विलेजेस को कवर कर पाएं और उसके नज़ारे कर पाएं। एक्साइटेड हैं आप लोग? यस। यहाँ पर सोलर जो है हर घर हर जगह पे इम्प्लांटेड हैं, शायद इलेक्ट्रिसिटी का यही एक सोर्स है। ये देखिए यहाँ की बस्ती, मुंगरी बस्ती। हाँ, मुंगली। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं एक दूसरे विलेज जिसका नाम आफ्ती है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी तहसील हेडक्वार्टर। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं ये गाँव यहाँ के। तो ये बस्ती जो आप देख रहे हैं, इसका नाम मरगी है। तो एक और गांव घुमरी।
ओ ये किधर गया? मैं इधर हूँ। वो क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत थक गया, अब मैं थोड़ी इन वादियों की हवा पीना चाहता हूँ। तो इस वादी में जो भी ब्यूटी स्पॉट्स थे उनको अपनी आंखों में अपने लिए और अपने कैमरे में आपके लिए कैद करके अपने एक दोस्त की याद आती है जो कि मड़वा वादी में महकमा तालीम में बतौरे उस्ताद तैनात हैं। तो फिर क्या था, कैंपिंग सेट करने से पहले चल पड़े हम मड़वा की तरफ जो कि वाड़वन वैली से एक घंटे की दूरी पर वाका है। इस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल और बीच में ये अनमेटल रोड, टोटल ऑफ रोडिंग। हमारा एक बचपन का मित्र है सुहेल काजी, उसकी ड्यूटी यहाँ है मड़वा चेंजर, तो उसे सरप्राइज करने जा रहे हैं हम। चलिए देखते हैं वो सरप्राइज होता है या हमें ही सरप्राइज मिलेगा। आई थिंक वो है स्कूल। स्कूल में सुहेल के बारे में पता किया तो पता चला कि वो क्लास ले रहे हैं और हमें भाईसत ऑफिस में बिठा दिया। सुहेल का रिएक्शन नोट करेंगे। इसे देख लिया, देख लिया। ये रिएक्शन है हमारे। पता यार तू आने का अच्छा, अल्लाह पाक की कसम। लो यार ये इधर ग्रुप में डालेंगे, क्या कर रहा है तू? और वो कैंपिंग से मुड़कर हम मड़वा की तरफ इन्हीं को लेने आए थे और अब इनको हाईजैक करके हम वार्ड वन, कौन सी जगह थी वो, काउशेड, काव्यार्ड, काव्यार्ड में कैंपिंग करेंगे। तो चलिए और अब शाम होने को कुछ ही घंटा बाकी है और उससे पहले हमें काव्यार्ड पहुंच के अपने कैंप सेट करने पड़ेंगे और प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि हमारी नाइट कैंपिंग बहुत बहुत औसम रहे। वाड़वन के लोग काफ़ी ज़्यादा खुले दिल वाले और मेहमान नवाज हैं। यहाँ पर हमें एक अपने साबका ऑफिसर मिले और उन्होंने अपने घर में आने की हमें दावत दी और वाड़वन के नज़ारे जितने खूबसूरत हैं उतने ही यहाँ के घर खूबसूरत हैं। मैं घर में एंटर होते ही ये सोचने लगा कि मैं किसी महल या हवेली में चल रहा हूँ। और वो खसूसी होस्ट है हमारे हमारे साहब का ऑफिसर नायब साहब गुलाम नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुलाम नबी साहब एक अच्छे साहब का ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अपने दौलत खाने में इन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा खिदमत की और दो दफ़ा हमें दावत खाने का मौका दिया। तो चाय पीकर चल पड़े हम कैंपिंग करने।
तो इसी के साथ कावयार्ड पहुंचते ही इससे पहले कि शाम होती हमने अपने टेंट्स सेट करना शुरू कर दिए। सबसे पहले बॉनफायर चलाते हैं, सबसे पहले बॉनफायर चलाएंगे, बॉनफायर करते हैं पहले। आदिल भाई, अगर रात को यहाँ पानी चढ़ गया, क्योंकि रात को पानी, अरे पानी का भाव थोड़ा कुछ, मैं तो फोटो इसके कट भी किया है यहाँ पे, मैं सब पहले क्यों नहीं बोला, कौन मैं बोल रहा था, यहाँ काट है यार, यहाँ काट है। शाम होते ही जिस मिकदार की सर्दी बढ़ गई थी, आग की गर्मी ने वो कमी पूरी कर दी। दरिया का पानी और आग की लपटों की आवाज खुद में सुर और सांस का किरदार अदा कर रही थी, और शाम के अंधेरे में आग की सुनहरी लपटों से आंखें लुत्फंदोज हो रही थी। रात के अंधेरे में बॉनफायर के मज़े लेने के बाद अब वक्त हो गया था रात के खाने का, यानी डिनर का। तो डिनर करके अब टेंट में सोने जा रहे हैं, तो सुबह आपसे मुलाकात करते हैं, गुड नाइट। बंदरोड़ा उठो, तो अपनी खुद की कैंपिंग साइट के बाद हम चल पड़े हैं उस जगह जहां वहां के लोक लाइट ने कमर्शियल टेंट्स लगवाए हुए हैं। ये टेंट्स गिनती में कुल 12 हैं और बहुत ही खूबसूरती और तहजीब के साथ ये यहां प्लेस किए गए हैं। और इन टेंट्स के साथ ही हर जगह आपको सोलर प्लेट्स देखने को मिलेंगी, जो यहां ओनली लाइटनिंग सोर्स है। तो चलिए यहाँ के केयर टेकर से बात करते हैं। वार्क साहब, ठीक ठाक छो तो ही। ये क्या रेट टेंटों का? 1500 वाला कौन सा? ये 6% का है, तो वो 1200 का, वो लाल वाला है। आइए मैं अब आपको टेंट की फैसिलिटीज़ बता दूँ कि इनमें क्या क्या है। ये देखिए, पूरी बेडिंग का इंतज़ाम है, सराहना है। तो इस चीज़ें डायरेक्ट तुलाई बिछाई है आपने? ये देखिए, देखिए तुलाइयाँ, कारपेट्स, फोम, तो ठंड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मतलब अगर बारिश भी पड़ गई तो भी बंदा आराम से अंदर रह सकता है। ये और ये लाइटनिंग सिस्टम है जो कि सोलर पे चलता है। ये देखिए, अंदर भी है? अंदर भी है जी। देखिए कितना ज़्यादा आरामदायक इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए सोलर प्लेट्स, तो यहाँ आपके टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ, टेम्परेरी सारी। तो मतलब बंदा फैमिली को लेकर भी आ सकता है? इधर आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अच्छा, और आ भी गए, वो भी बहुत आराम किया है इधर।
बाथरूम का भी सब सब कुछ अवेलेबल है सब। और सब यहाँ पर ये खाने पीने का ब्रेकफास्ट का इंतजाम खुद हो जाता है या बंदों को आपस में मतलब लाना पड़ता है? हम करते हैं जो सब डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब हम ही देते हैं। सारा आप ही बनाते हैं तो आपके यहाँ किचन भी है मतलब पेंट्री? तो ठीक है, तो ये थे मुबारक साहब यहाँ के केयर टेकर। तो फैमिलीज को लेकर भी आप आ सकते हैं जैसा कि आपने अभी सुना, और आना भी चाहिए खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोकलाइट्स को, क्योंकि ऐसी ज़्यादा फैसिनेटिंग और खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये 8500 फीट एलिवेशन पर ये जो वादी सिचुएटेड है इसका नज़ारा हमने आपको करवाया, यहाँ कैंपिंग दिखाई। तो इस वादी को फुल एंजॉय करने के बाद अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, और बखुदा यकीन मानिए कि हम यहाँ दोबारा वापस आना चाहते हैं, और इंशाल्लाह अगले साल हम ज़रूर इस वादी में दोबारा अप्रोच करेंगे। और आप भी ऐसी जगह को एक्सप्लोर कीजिए, ये एक न्यू टूरिस्ट अनटच्ड वैली है ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, तो आपको भी यहाँ आना चाहिए, ऐसी वादी को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में विद अ न्यू डेस्टिनेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।